शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबुद्दीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आज तक में आपका स्वागत है। मैं उजय बोबी। अभी हम खड़े हैं पंचायत बल्लीगंज में, और यहाँ के जो प्रधान है वो हमारे साथ में मौजूद है। केवल प्रधान नहीं, यहाँ के बाकी मेंबर्स भी है काफ़ी सारे, तो उनसे बात करेंगे। जो लंबा पहाड़ सड़क का जो हमने अभी आपको दिखाया, क्या स्थिति है, और वो वहाँ तक हमें पहुँचने में कहीं ना कहीं वहाँ के युवाओं ने मदद की है, क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ था एक वीडियो जहाँ पर सड़क आज से निकल के आ रहा, जो कुछ घंटे पहले बनाया वाला सड़क जो है आज से निकल के आ रहा था, उसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे और आपको दिखाए भी कैसे इस सड़क को बनाया जा रहा है। और उस सड़क का निर्माण जो कर रहा है, जो कंपनी कर रहा है, उनके इंजीनियर से भी बात की है। जब हमने उनसे टेप पूछे तो लापता हो गए। चलिए पिताजी से हम लोग जानेंगे कि जो पैसा लगाया गया प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री द्वारा जो सड़क बनाया जा रहा है, हर गांव में बनाया जा रहा है, ये किसके निगरानी में होते हैं प्रधान जी, सबसे पहले ये बताइए। ये RDPRA की निगरानी में हो रहा है। तो वैसे में कहीं ना कहीं आपका जो JE है वो उसका देख रेख करते हैं? एकदम, ग्राम पंचायत बम्बेलीगंज का JE है, ये इसका पूरा टेक ओवर कर रहा है। डिमांड तो आप लोग की तरफ से जाते हैं, पंचायत की तरफ से डिमांड? तो एक्चुअल में ये पिछला कार्यकाल जिनका था वो टाइम में ये काम निकला था जी, पर कहीं ना कहीं उनका भी कहाँ तक है पता नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंडमान निकोबार में पूरा सब जगह चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अंडमान में चल रहा है, तो कहीं छः काम मेरा जानकारी में है कि हमारे जो आज का जो कॉन्ट्रेक्टर यहाँ काम कर रहे हैं उसको मिला है। उसमें दो काम हमारा पंचायत में आता है जी। और बड़ी खुशी का बात है कि ग्राम पंचायत बम्बेलीगंज को जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो काम है स्टार्ट यहाँ पर किया, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून के चलते जो है थोड़ा बीच में डिले हुआ। फिर कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानी देखते हुए पूरे विलेजर्स और PRS ने मिलकर एक आवाज़ उठाई, जिसके चलते जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दबाव में आना पड़ा और दोबारा से वर्क स्टार्ट हुआ। तो ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसका बारे में शायद मैक्सिमम लोगों को नहीं पता इसका टेक्निक क्या है, तो स्टेप बाई स्टेप काम हो रहा है। तो हम लोगों का जो यह काम शुरू हुआ, पहले मेटल वगैरह बिछाए, उसके बाद रोलिंग किया, फिर जो गैप दिया, फिर काफ़ी सारा गड्ढा हुआ, उसके बाद फिर से दोबारा एक 6 महीना क्लाइमेट जब मिला दोबारा से मौका, उसमें जो है फिर से काम किया जिसमें गड्ढा भरा, वहाँ तक काम का पोजीशन ठीक था। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर में बिटोमिन डालने का टाइम आया, तब हम देखें कि सुनने में आता, और हमने कहीं ना कहीं देखा है कि APWD का काम काफ़ी लोगों ने देखा है, जो कि आफ्टर मेटलिंग उसके बाद में जो है डस्ट क्लीनिंग का एक काम होता है, जो इस काम में हमें देखने को नहीं मिला। और कहीं ना कहीं विलेजर्स और जितने भी टेक्निकल इससे जुड़े हैं सभी का कहना है कि अगर स्प्रे किया रहता धूल हटाने का तो ये समस्या नहीं आता, लेकिन उन्होंने इसके बदले में एक बिटुमिन केमिकल डाला। अब वो कहाँ तक उसका वो सक्सेस होना नहीं होना, ज़मीनी स्तर पर वो सक्सेस देखने को नहीं मिला, जबकि आज ये परिणाम हमें इस रूप में देखने मिला। तो प्रधान जी ये बताइए, जैसे कि वायरल हो रहा है काफ़ी सारे आपके गांव के लोग ही जो है इसको वायरल किए हैं, जिसमें सड़क हाथों से निकल के आ रहा है और आप प्रधान हैं यहाँ के और आपके समय में काम हो रहा है, तो आपका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनता है या नहीं? 100% ऐसे प्रधान ग्राम पंचायत बम्बेलीगंज मेरा रिस्पॉन्सिबल है, पूरा PRI सभी का रिस्पॉन्सिबल है। और कहीं ना कहीं बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उप प्रधान, हमारे जहाँ जहाँ जब काम चला सारे मेम्बर्स साथ थे, और कहीं ना कहीं हमने देखा इसमें जिला परिषद का भी रोड था, उन्होंने भी इसमें साथ दिया। मैंने कहा ना, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक फॉर्मेट है काम करने का, उस फॉर्मेट में काम हुआ है और कहीं ना कहीं हर कोई विजिट करा है, हमेशा ये आता है विजिट करता है। और ख़ास बात है कि कल का दिन ये जो प्रॉब्लम आज हुआ, कल SC भी आया था, अध्यक्ष भी आया था, तो माने तो पूरा एक पंचायत का जो टॉप प्रायोरिटी के लोग हैं वो कल विजिट करें, उसके बावजूद भी ये समस्या आया। हमारे PRA में जो हमारे वार्ड नंबर 8 के CP सलाम, उन्होंने SC को कहा था कि लोग परेशान हैं, अगर ऐसा काम होएगा तो लोग फिर से सड़क पे उतरेंगे, ये उन्होंने SC के सामने कल अपना बात को रखा था। देखिए साफ तौर पे जाते हैं हम,
क्योंकि घुमा फिरा के बात करेंगे तो लोग नहीं समझ में आएंगे उनको। आप तो बोल रहे हैं कि सड़क ग्रामीण सड़क योजना के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये बना रहा है, उसके तरीके से बन रहा है, सब कुछ ठीक है, मगर बन रहा है पब्लिक के लिए, आपके गांव के लोगों के लिए, तो वैसे में निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत काम हो रहा है या नहीं, क्या है आप? काम मैंने जैसे कहा एज़ पर उसका जो गाइडलाइंस है, रूल रेगुलेशन, हमारा जेई जो है उसको अपडेट कर रहा है, उनका जो भी विंग्स में जो आते हैं सुपरवाइजर्स है सभी लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो टेक्निकल फॉल्ट अभी उन्हीं को बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है। आप नहीं पूछेंगे? नहीं, हम तो लगे हैं, हम तो बता रहे हैं, हम तो चिट्ठी भी दे रहे हैं, और इवन आज हमारा टीम के साथ हम SDM से मिलने मांगते थे जो यहाँ का जिला परिषद का CA। हाँ 100% हम दिन रात उधर ही रहते हैं, आप आने का टाइम, इधर एक प्रोग्राम था इसीलिए हम नहीं पहुँच पाए। नहीं तो रोड में रहते हैं? हाँ नहीं, रोड्स में तो कई लोग फ़ोन किए थे, आप गए नहीं वहाँ पे? आप वायरल देख सकते हैं, वीडियो बनाया हमारा कन्ना भाई विलेजर, काफ़ी अच्छा एक्टिव है, जो हमेशा हर चीज़ को अच्छा का भी रखता है बुरा भी रखता है, तो हम उनको बताते हैं क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका बिल पास होगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रधान का भी रोल रहता है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि अगर ये काम ठीक से नहीं होगा तो आप बिल पास? देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्लस पॉइंट ये है कि 5 ईयर्स मेंटेनेंस उनका हाथ में है। तो वो भी बोले मगर दो दिन में नहीं रुकेंगे तो फिर? तो दो दिन में नहीं रुका तो आज वो रिपेयर करेंगे। अभी आप अगर वीडियो बनाया है, नहीं बना तो आपको कल देखने मिलेगा कि वो जगह काम हुआ है। तो 5 साल आपका कहना ये है कि 5 साल तक जो रोड यहाँ के अच्छे रहेंगे? 100% अगर उसका कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम सारे PRS मिलकर इसके ऊपर में काम करेंगे। मेरा सवाल भी उनसे ये था जई से कि 5 साल बाद में नेता ही नहीं दिखता है, प्रधान भी नहीं दिखता है, तो आप क्या 5 साल दिखाई देंगे? तो उनका फिर कोई जवाब नहीं। 70 पंचायत में 59 पंचायत में ऐसा होएगा, ग्राम पंचायत वेम्बलीगंज में वो समस्या नहीं है। चलिए, ये थे प्रधान वेम्बलीगंज के प्रधान की बात, जहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि सड़क का बहुत बुरा हाल है, जो हमने आपको दिखाया अभी। प्रधान जी का कहना है कि जो सड़क है वो जैसे भी हो 5 साल टिके रहेंगे और अच्छे कंडीशन में रहेंगे, ये लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, अगर मान लीजिए अगर सड़क खराब होता तो जनता जैसे हमें बुलाया उसी तरह दोबारा बुलाएंगे, फिर उसी तरह सवाल प्रधान जी से हम लोग फिर करेंगे, ताकि जो है आप लोग को क्लियर कर सकेंगे। 5 साल हम लोग कहीं नहीं भागेंगे, नेता लोग जाने से भी हम लोग यहीं रहेंगे। बॉबी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना जो अब तक का न्यूज़ चैनल लेके हमारे यहाँ तक आए, और धन्यवाद तो आप लोगों को जरूर जो 100% मैंने कहा ना कन्ना का इसीलिए इंडिविजुअल नाम लिया, क्योंकि विलेजर्स को पूरा टैकल कन्ना का थ्रू से आया जी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा विलेजर है, हमने उनका अवार्ड भी दिया है पंचायत के थ्रू से, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम करता, जरूर देंगे जो अच्छा काम करेगा उनको हम पंचायत जो है हमारा, मैंने कहा ना 70 पंचायत में ग्राम पंचायत मेंबर, लेकिन जो है अपना काम सही तरीके से करेगा। थैंक यू सर। तो चलिए हम लोग यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जैसे कि हमने प्रधान से बात किया था, प्रधान के बातों से कितना खुश है इन लोग ये बात करते, क्योंकि जब प्रधान से हम बात कर इंटरव्यू ले रहा था साथ में इन लोग भी पीछे बैठे हुए थे, प्रधान का बात तो आप लोगों ने सुना, उससे कितना संतुष्ट है आप? संतुष्ट तो है, अगर प्रधान ठीक है आपको जो हिसाब से बोला तो हम लोग भी मान लिया प्रधान है। अगर तो मेरा भी एक ही सवाल था कि हम जैसे जेई से सवाल किया था कि 5 साल नेता लोग नहीं दिखता तो 5 साल क्या ये प्रधान भी टिके रहेंगे बातों में, अपना जो बात बोले उसमें टिके रहते कि नहीं, एक सवाल का बात है। अभी हम जो प्रधान आप लोगों के सामने बोला, अगर प्रधान उससे अगर मुकर गए तो आप लोग क्या करेंगे? हम दोबारा आएंगे, जैसे कि अब हमने क्लियर किया था कि प्रधान भाग जाएंगे, जिला भाग जाएंगे, नेता भाग जाएंगे, 5 साल हम लोग यहीं रहेंगे। हमको तो नहीं लगता कि दोबारा बनेगा बोल के, फिर भी देख लेते हैं जो बोला हिसाब से प्रधान जी उसका बात भी मैं सुन लेता, अगर नहीं होता उनसे 100% आप लोगों को कॉल करके दोबारा हम लोग बुलाएगा, आप लोग जरूर आना प्लीज़। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरे भाई जो बोला सही बात है, प्रधान को हम लोग कड़क रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग विश्वास करना है, इसलिए तो हम लोग उनको कड़क रहे हैं, तो पहला बार कड़क रहे, देखते हैं 5 साल बाद क्या होता है। एक मेंबर भी है वहाँ के, उनसे भी बात करते हैं। भैया, आपका जो प्रधान है बोले कि बाकी सारा पंचायत को छोड़ दीजिए, मेरा पंचायत में हम पब्लिक के साथ में खड़ा रहेगा, और 5 साल ये रोड जो उम्मीद के साथ में लोग बैठे हैं वो उम्मीद के साथ में रोड अच्छा से रहेंगे और लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, तो इस पर क्या कहना है? जी मेरा भी वही कहना है सर, हम लोग देखते हैं आगे, अगर ऐसा कुछ होता है उनसे हम लोग आपको दोबारा बुलाएंगे। आपको प्रधान को भरोसा है? भरोसा तो है, उन्होंने तो कहा है, और अभी तो 1 साल वही है ना सर, और 4 साल बचा है, आगे देखते हैं सर। तो देखेंगे जब 5 साल का रोड है, अगर मेंटेनेंस का काम इनको 5 साल का मिला हुआ है, अगर रोड बनने के बाद भी अगर कहीं पे भी डैमेज होता है या कुछ होता है तो वैसे में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बना के देंगे, ये भी प्रधान का कहना है, ये उम्मीद में यहाँ के लोग भी है। अगर नहीं रहता है तो न्यूज़ आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, अगर इन लोग दोबारा से वीडियो डालते हैं या बुलाते हैं तो हम लोग ज़रूर दिखाई देंगे। धन्यवाद।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।